हाय इमरान, तुम ऐसे तो ना थे। ऐसे तो ना थे, कैसे थे? तुम तो अच्छे बच्चे थे। कैसा थे, कैसे था? थे नहीं, सॉरी, राइट, कंटिन्यू। बात ये है कि तुम तो गुड बॉय थे यार। आज भी गुड बॉय हूँ। असलम का जो किरदार है, आप ऑब्वियसली, आपको लगता है कि मैं एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, बट ही इज अ गैंगस्टर विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ओहो, असलम बेचारा लड़कियों के मामले में बहुत कच्चा है। ओह, उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, वो एक गैंगस्टर है, बड़ा दिलदार है, ही इज वेरी विटी, चार्मिंग, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन लड़कियों के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। ही इज नॉट वेरी गुड। ओहो, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि असलम जो है ना, प्यार के मामले में मारूंगा काटूंगा। एक बार जब उसे प्यार हो जाता है तो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही सीरियस प्यार है। शुरुआत में काफी कॉमिकल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता है, और एंड दैट वी सी इज इज अ कैरेक्टर प्रॉब्लम, कि वो स्ट्रगल करता है एक लड़की को के साथ बात कैसे करे, उसे पटाए कैसे, हाउ कैन ही वू हर, ही इज वेरी बैड एट इट। लेकिन एक बार जब उसे प्यार हो जाता है ठीक से, देन इट्स क्वाइट इंटेंस। सुल्तान मिर्जा और शोएब के बीच में लड़ाई चलती है, क्योंकि वो दोनों मुंबई को चाहते हैं। It is over the control of the city. और part two में it is about the control of the girl. ये दोनों किरदार एक ही लड़की से प्यार करते हैं. Right. And how that becomes a struggle between them. तो part one में काफी betrayal था वगैरह, कि शोएब सुल्तान को कैसे betray करता है. हाँ. Because of what he wants. Okay. इसमें असलम एकदम loyal है. असलम, his loyalty is never in question. He loves शोएब. शोएब जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, he loves him, he respects him, and he will never betray him. It is only because of the girl. उसे पावर नहीं चाहिए, उसे पैसे नहीं चाहिए, he doesn't want anything else. अच्छा, तो आजकल आमतौर पे जो रोमांटिक फिल्में बनते हैं उनमें बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम्स होते हैं, कि लड़की को शादी करनी है, लड़की को शादी नहीं करना है। I've done this. मैंने भी ऐसी फिल्में की हैं, शुरुआती से की थी। जी हाँ, लेकिन ऐसी फिल्मों में मेरा मानना है कि जो कमी है वो ये है कि रोमांस और इमोशन में ड्रामा नहीं है। द स्टेक्स आर नॉट सो हाई, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, शादी नहीं होगी। इस फिल्म में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये मर सकते हैं। ओनली दैट इज व्हाट, बस मर ही सकते हैं। हमारे ट्रेलर का लाइन है ना, प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। राइट, ओके। लेकिन एक चीज जो हम सब लड़कियां सोच रही थी, यार तुम लड़कों ने इतने पॉइंटी वाले जो जूते पहने अरे 80s में लोग ऐसे ही जूते पहनते थे, दैट वाज व्हाट द हीरोज वॉर, और वो एंकल हाई चेन वाले बूट जिसके बड़े बड़े हील से पॉइंटी वाली पॉइंटी टोज, आई डोंट नो हाउ पीपल वॉक इन दोज। यार मैंने पूरी फिल्म में पहने, व्हेन आई साइन द फिल्म आई टोल्ड मिलन सर कि मैं यही जूते पहनूंगा, क्योंकि 80s में हीरोज यही पहनते थे, सो आई विल ओनली वेयर दीज शूज। मिलन सर, ओके फाइन, पहन लो। फिर आया वक्त एक्शन सीक्वेंस शूट करने का, मुझे दौड़ना है, कूदना है, चढ़ना है, एंड आई डिडंट रियलाइज कि ये जो पॉइंटी लंबे लंबे टोज हैं, यू ट्रिप ओवर योर ओन टोज। करेक्ट। देन आई स्टार्ट टू फील कि आई मेड अ स्टूपिड डिसीजन। ओके, सो इमरान से हम बात कर रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की बात हो रही है। यू नो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, देखिए आप तो मुंबई में ही पले बड़े हैं, प्रीटी मच लाइक यू मस्ट, हाँ मोस्टली लाइक आई सेड, अम्मी से या फिर मामूजान से या फिर आपके ग्रैंडमदर से, अपने मुंबई कैसा था और आज कैसा है? बड़े सारे रेफरेंसेस सुने होंगे ना? सुने हैं, देखे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर कोई भी पुरानी फिल्म देखें, वॉच अ फिल्म फ्रॉम द 70s 80s जो मुंबई में शूट की गई हैं, एंड यू कैन सी द लोकेशंस, एंड वेरी ऑफन यू कैन रिकॉग्नाइज लोकेशंस, कह रहे भाई ये तो जुहू चौपाटी है जी, ये वीटी है। That is very deadly to see, क्योंकि फोटोज में आपको ज्यादा एंगल्स दिखने को मिलते नहीं है।
किसी ने एक फोटो लिया एंड यू जस्ट गेट टू सी अ लिटिल बिट, लेकिन अगर किसी ने कोई सीन शूट किया है यू गेट द फुल कैमरा मूवमेंट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, जूम इन जूम आउट, यू गेट टू सी द एंटायर प्लेस और आपको बैकग्राउंड दिखता है, वहां की गाड़ियां कैसे थी, व्हाट वर द पीपल वेयरिंग, दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग. अरे फैंटास्टिक है वो, करेक्ट, वेरी वेरी यूजफुल. सो एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ पीरियड फिल्म इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को कन्विंस करें कि ये वाकई 80s की फिल्म है. इफ वन लिटिल थिंग इज रॉन्ग, किसी का हेयर स्टाइल अगर गलत है, अगर किसी ने प्यूमा का टी शर्ट पहना है, अब वो ब्रांड यहाँ मिलता नहीं था उस जमाने में. So when you take everyone out of the world. In fact, this is very interesting क्योंकि मुंबई को recreate करना उस वक्त, जितने भी मुंबई कर उस वक्त यहाँ रहते थे, वो तो तुरंत पकड़ लेंगे. हाँ. बोलेंगे क्या बकवास है. Exactly. So you have to every little thing के background से background के background में जो junior artist खड़े हैं. Correct. और when we were shooting on set we had so many problems क्योंकि लोग अपना सेलफोन छोड़ते नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है. हाँ कह रहे हैं कि फोन बंद कर दीजिए, अंदर रख दीजिए. नहीं 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 नहीं. समहाउ यू कन्विंस देम कि आप फोन पे बात करना तो बंद कर दीजिए. अच्छा ठीक है, तो हाथ में फोन पकड़ के खड़े रहेंगे बैकग्राउंड में. राइट. तो अब हमारा कोई सॉन्ग सीक्वेंस चल रहा है, तैयब अली का सॉन्ग सीक्वेंस चल रहा है और बैकग्राउंड में कोई ऐसे खड़ा है उसके हाथ में सेल फोन है. व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू विद दिस? आप उनको कैसे समझाएं कि भाई 1985 में सेल फोन्स नहीं थे. करेक्ट. आईफोन मिलता नहीं था 1985 में. फेवरेट सॉन्ग इन द फिल्म? इट्स अ टॉस अप क्योंकि गाना तो बड़ा मजेदार है लेकिन एज यू नो मुझे हमेशा वो जो सैड रोमांटिक सॉन्ग्स है मुझे वो पसंद है. या तो ऑन द एल्बम आई ऑलवेज लाइक आई लाइक तूने क्या किया अलॉट. मेरी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज हो रही है August 15th को, तो उसी दिन को हम सबको दुआ में याद रखना. मलका धाना धाने लगते हैं. रूप के राजा हुस्नु को मलका धाने धाने लगते हैं, शादी हुए जमाना गुजरा फिर भी कुंवारे लगते हैं. और क्योंकि यहाँ पर ये महफिल जम चुकी है और इस वक्त हम बस इंतजार कर रहे हैं कि तैयब अली का एक रीविजिट हो जाए फटाफट, इमरान और सबरी ब्रदर्स के ब्रदर्स की तरफ से हो जाए यहाँ पर एक बार. शुरू का हिस्सा मुझे याद नहीं. तेरा आया है जवान दूरबीन से ताके वो अपना निशान. तैयब टेल मी हाउ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे तू होने ना दे बनने ना दे सलूमा को दुल्हन. तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय. तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय. लड़का और लड़की राजी फिर भी ना माने राजी. ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े. इतना टाइम बोले ना प्लीज क्या. ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े. ये होने ना दे बनने ना दे सलूमा को दुल्हन. दुश्मन हाय हाय.